हेलो दोस्तों, आज हम टमाटर खाने के फायदों के बारे में जानेंगे। टमाटर में विटामिन सी, लाइकोपीन, विटामिन, पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। साथ ही इसमें कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले तत्व भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। जिन लोगों को वजन कम करना है उनके लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद है। लेकिन टमाटर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि टमाटर को पकने देने के बाद भी उसके पोषक तत्व बने रहते हैं। टमाटर का इस्तेमाल कई बीमारियों की रोकथाम के लिए किया जाता है। सुबह सुबह बिना पानी पिए पका टमाटर खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अगर बच्चे को सूखा रोग हो जाए तो उसे प्रतिदिन एक गिलास टमाटर का जूस पिलाने से बीमारी में आराम मिलता है। बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए टमाटर बहुत फायदेमंद होता है। मोटापा घटाने के लिए भी टमाटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रतिदिन 1 से 2 गिलास टमाटर का जूस पीने से वजन घटता है। गठिया के रोग में भी टमाटर बहुत फायदेमंद है। प्रतिदिन टमाटर के जूस में अजवाइन मिलाकर खाने से गठिया के दर्द में आराम मिलता है। गर्भावस्था में टमाटर का सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है जो गर्भवती के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर पेट में कीड़े हो जाएं तो सुबह खाली पेट टमाटर में काली मिर्च मिलाकर खाने से फायदा होता है। कच्चे टमाटर में काला नमक मिलाकर खाने से चेहरे पर लाली आती है। टमाटर के गूदे को चेहरे पर रगड़ने से त्वचा पर निखार आता है। टमाटर के नियमित सेवन से डायबिटीज़ में फायदा होता है। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है, साथ ही कई तरह की स्किन से जुड़ी समस्याओं में भी असरदार होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।